और मजबूती के लिए एक और अच्छी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही, जरा इस पर नजर डालिए। खबर आ रही चीन से और यह खबर दो चीजों के लिए अच्छी है, एक मेटल शेयरों के लिए, दूसरा ग्लोबल मार्केट्स के लिए। चीन ने अपनी एक तरह से ये समझिए कि ब्याज दरों में कटौती की, रिजर्व रेशियो में 0.5% की कटौती की है। इसका मतलब यह कि वहाँ के बैंक्स को कम रिजर्व रखने पड़ेंगे और उस हिसाब से पैसा सिस्टम में ज़्यादा आएगा, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से चीन की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिहाज से या रिकवरी लाने के लिहाज से या मतलब अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिहाज से चीन ने यह फैसला लिया है, 0.5% तक की कटौती की है। आई थिंक अब समझ में आया कि क्यों इतने ग्लोबल मार्केट्स और डाउ वगैरह मजबूत होते दिख रहे हैं। तो काफ़ी कुछ ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में। तो ये मेटल शेयरों के लिए अच्छी खबर है और तभी मेटल इंडेक्स भाग रहा है। ओके, तो मेटल शेयरों के लिए अच्छी खबर, चीन ने अपने रिजर्व रेशियो में 0.5% तक की कटौती की है। मार्केट के लिए भी अच्छी खबर है, इस तरह की जो खबरें आती हुई दिख रही है। दीप, और क्या कुछ एक्शन हुआ है चीन की तरफ से, जरा देखिए। कटौती के बाद नई दरें 15 जुलाई से लागू होती हुई दिखेगी, आप क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं? बिल्कुल सर, आधे ये जो कटौती की गई है 0.5% की, ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं, क्योंकि दो दिन पहले चीन के कैबिनेट ने ये संकेत दिए थे वेडनेसडे को कि अब ये ऐसा मेजर उनकी तरफ से आ सकता है, इस पर सोच विचार किया जा रहा है। दो चीजें हुई हैं सर, जैसा कि बग्गा साहब भी हमें बता रहे थे, जब से रिकवरी हुई है चीन पर सबकी नजर है, क्योंकि सबसे पहले लॉकडाउन लगे भी यहां पर थे और अनलॉक भी यहीं पर हुआ था। अच्छी रिकवरी के बाद अब पिछले कुछ समय से जो डेटा आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद रिकवरी को और सहारे की जरूरत है, जिसकी वजह से चीन ने ये कदम उठाया है। अगले हफ्ते इनके जीडीपी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा आने वाले हैं, तो उससे पहले ये मेजर आ रहा है और बाजार मान रहा है कि एक तरह का स्टिमुलस मेजर ही है चीन की तरफ से, कि इस समय लिक्विडिटी सपोर्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि काफी सारी इनकी डेट मैच्योरिटीज भी होने वाली हैं आने वाले कुछ महीनों में, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी सपोर्ट को बढ़ाने के लिए चीन की तरफ से ये कदम आया हुआ है। आखिरी बार जब इन्होंने रिजर्व रेशियो में कटौती की थी सर, तो वो पिछले साल अप्रैल 2020 में था, जब महामारी का सबसे बुरा दौर चल रहा था। तो उसके बाद अगर ये अब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक संकेत आ रहा है कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए चीन ने ये बड़ा कदम उठाया है। और जैसा आप कह रहे हैं सर, डायरेक्ट इंपैक्ट इसका ग्लोबल मार्केट्स पर हम देख रहे हैं और स्पेशली मेटल शेयर्स पर देख रहे हैं, सारे के सारे मेटल शेयर्स रिएक्ट कर रहे हैं इस पर।